सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें आप खोलेंगे पेज नंबर 8 और जिसमें हमने आपको पहले संयुक्त व्यंजनों के विषय में बताया और फिर इसमें थे अन्य व्यंजन और अन्य व्यंजनों के विषय में आपको जब हमने व्यंजनों के विषय में पढ़ाया तब उन्हीं के साथ अन्य व्यंजन अतिरिक्त व्यंजन होते हैं जो ळ और ढ है उसके साथ ही पढ़ाया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है विशेष सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम अ रहित व्यंजन लिखते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। किसी भी अक्षर के नीचे छोटी सी मात्रा लगाते हैं वो क्या है? हलंत। जैसे यहाँ पे लिखा है क और क के नीचे देखो इस तरह से छोटी सी मात्रा है, फिर ख ख के नीचे भी देखो हलंत है इस तरह से, भ भ के नीचे भी ये छोटी सी मात्रा लगी है, ध आदि। इसी तरह अन्य व्यंजन भी लिखे जाते हैं, मतलब सबके नीचे क्या होता है? एक छोटी सी मात्रा हलंत लगता है। अब देखिए यहाँ पे है अयोग वाह, और अयोग वाह में अंग और आहा को हम स्वर के साथ पढ़ते हैं, परंतु ये ना तो स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वाह। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग क्या है? अनुस्वर। अंग को बिंदी के रूप में लिखा जाता है और अनुनास और अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में शब्दों के ऊपर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, संघ हंस बंसी, तो ये अनुस्वर बिंदी के उदाहरण है ना, और अनुनासिक के देखो आप चंद्र बिंदु के, आँख चांद सांप। यहाँ पे चंद्र बिंदु लग रहा है, अनुनासिक लग रहा है किसी भी शब्द के ऊपर। फिर देखिए आप यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग क्या है? जैसे आहा के पीछे दो बिंदु लगते ना आहा, तो यहाँ पे देखो आहा का प्रयोग शब्द के अंत में दो बिंदुओं के रूप में किया जाता है और यह अधिकतर किन शब्दों में लगता है? संस्कृत के शब्दों में लगाया जाता है, जैसे प्रातः और नमः। अब हम इन्हें अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए और देखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप भी आज के दिनांक डाल दीजिए, अध्याय संख्या, अध्याय का नाम, फिर लिख लीजिए आप अयोग वाह। ये ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, और जिन वर्णों पर अनुस्वर मतलब अंग के ऊपर बिंदा लगता ना, बिंदा अनुनासिक चंद्र बिंदु, यहाँ पे है चंद्र बिंदु बना है, तथा विसर्ग आहा, जैसे आहा का प्रयोग शब्द के अंत में दो बिंदुओं के रूप में किया जाता है और यह अधिकतर संस्कृत के शब्दों में लगाया जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। तो अब इसके आप उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे है अनुस्वर का उदाहरण है संघ हंस और बंसी, ये हैं आपके अनुस्वर मतलब बिंदा के उदाहरण। फिर है अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु देखो आँख चांद और सांप, इनके ऊपर क्या लगा है? चंद्र बिंदु लगा है ना, तो ये है अनुनासिक। फिर है विसर्ग, विसर्ग प्रातः और नमः, और प्रातः और नमः इन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में अधिकतर होता है। तो इस तरह बच्चों आज आप अयोग वाह के विषय में अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों आज एक कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।